शुक्रिया दोस्तों, मैं जनगण मन यात्रा के आयोजकों और इनकी अगुवाई करने वाले डॉक्टर शकील अहमद खान साहब को और हमारे जो आज पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं कॉमरेड डॉक्टर कन्हैया जी को, सीपीआई के सचिव साहब को, सीपीएम के सचिव को, हमारे और तमाम दोस्तों को और हमारे कॉमरेड अरुण मिश्र, हमने विपक्षी ताकतें एकजुट कर इसमें भाजपा माले के रहनुमाई में कांग्रेस राजद और हम हिंदुस्तान आवाम पार्टी ने ये भाजपाइयों की सीने में कदम रख के एनआरसी नहीं होगा का प्रस्ताव पास करवाने में कामयाबी मिली हम लोगों को। दोस्तों, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, भाजपा वालों के सीने में कदम रख के हम लोगों ने कानून पास करवाने के लिए नीतीश कुमार को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया। और बिल्कुल हम भ्रम नहीं फैलाते, बिल्कुल हम जनता को गुमराह नहीं करते, बिल्कुल हम आजादी की दूसरी लड़ाई के अगवा दस्ता में से एक है। हमारा खून बहा है और फुलवारी शरीफ में जो हाजला का खून बहा, उस खून की कीमत चुकाने के लिए हमने गर्दनी बाग में अपने पार्टी के साथ आंदोलन किया। उस आंदोलन के तहत हमारे ऊपर नाफरमानी का इल्जाम लेके इस हुकूमत ने मुकदमा करके हम लोगों को हौसला को पस्त करने का काम किया। दोस्तों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि फांसी वाली ताकत ने बाबरी मस्जिद की शहादत के साथ ही अपना दस्तक दे चुका है। दोस्तों, हम लंबे समय से हमारे कम्युनिस्ट ताकतों के साथ और जनवादी ताकतों के साथ इन शैतानी ताकतों को रोकने की लड़ाई हम लोगों ने जारी रखी है। दोस्तों, आपको मालूम हो, हमारे साथी विधायक बंगाल के कह रहे थे कि मुसलमान को निशाना बनाने के बहाने, बिल्कुल नहीं, निशाना सीधा सीधा मुसलमानों का था, मुसलमानों को निशाना नहीं, मुसलमानों को ही निशाना बनाया। लेकिन वो आपने सुना है ना, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। निशाना चूक गया इनका आसाम में, और निशाना चूकने के बाद 19,60,000 एनआरसी से फाजिल जो लोग शिनाख्त किया गया, उनमें 13,60,000 गैर मुस्लिम थे। तभी इनको दीन में सितारे दिखाई पड़ने लगे, तभी इन्होंने सीए भी लाया। दोस्तों, एनआरसी की घोषणा इन्होंने पहले ही कर दी थी, तो इसलिए मैं आश्वस्त करता हूँ आप, जब एनआरसी की चर्चा जनता में बहुत ज्यादा नहीं थी, पब्लिक डोमेन में नहीं था, तभी हम लोगों ने इनकी आहट महसूस की थी। और पिछले नवंबर के छोटा सेशन में 26 नवंबर को हम लोगों ने भाजपा माले की रहनुमाई में संयुक्त विपक्ष के एकजुटता के साथ, हस्ताक्षर के साथ एनआरसी के खिलाफ में बिहार विधानसभा में हम लोगों ने कार्य स्थगन दिया था। दोस्तों, उस वक्त हम क्या करेंगे, हमको बोल रहे राजनीति के गलियारों में भी और राजनीति के गंभीर जानकारों के बीच में ही एनआरसी की जानकारी थी। इसलिए ये बात साफ साफ हो जाना चाहिए कि निशाना उनका मुसलमान का था, इसलिए कि फांसी वादियों को अपनी हुकूमत कायम करने के लिए एक पहला निशाना करना होगा। वो निशाना हिटलर ने यहूदी को बनाया जर्मनी में, वो निशाना नरेंद्र मोदी अमित शाह ने मुसलमानों को बनाया। लेकिन जो तरीका उसको अपनाया, उस तरीका में फंस गया। दोस्तों, आज सैकड़ों बरस तक इस देश में रहने वाले लोगों के बीच में, आप जानते हैं, आप लोगों के बीच में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने दादा परदादा का नाम तक जानते हैं,
तो आप खुद हैं, आपके पिताजी हैं और आपके दादा हैं, परदादा हैं। अगर पांच पीढ़ी का नाम जानते हैं आप, तो 300 साल से ज्यादा वक्त से इस जमीन में आप बसवास करते आ रहे हैं। बसवास तो करते आ रहे हैं, लेकिन कागज नहीं है आपके पास। कागज गरीबों के पास नहीं है, मजदूरों के पास नहीं है, आदिवासियों के पास नहीं है। 20 करोड़ बंजारा जो घूमते रहता है उनके पास कागज नहीं है, पिछड़ों के पास नहीं है, अत्यंत पिछड़ों के पास नहीं है, दलितों के पास नहीं है। यकीनन मान लीजिए, अगर ये शैतानी मंसूबा कायम हुआ तो इस देश की 40 करोड़ जनता किसे नागरिकता छीन ली जाएगी, और वो नागरिकता छीनने की साजिश वो इसलिए कर रहा है इसलिए कि ये आपसे वोट छीनने का अधिकार, वोट छीनने के वोट देने का जो अधिकार है उसे छीनने चाहता है दोस्त। और ये बिल्कुल कबूल नहीं होगा हिंदुस्तान की जनता को। हमने अपनी माँ बहनों, हमारी शाहीन बाग के माँ बहनों को सलाम। एक शाहीन बाग नहीं, शाहीन बाग के तर्ज पर देश में हजारों शाहीन बाग बन चुका है। कभी हमारे एक मशहूर शायर ने कहा था अपनी माँ बहनों के नाम से, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल का एक परचम बना ले तो अच्छा था। यकीनन हमारी माँ बहनों ने अपनी आंचल को परचम बना लिया है। पूरे हिंदुस्तान में वो जंग शुरुआत हो चुकी है। इसलिए दोस्तों हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, हमने साफ साफ विधानसभा में कहा, नीतीश कुमार जी खबरदार हो जाइए, आप किसके साथ खड़े हैं? आप समाजवादी आंदोलन को उपज है, आप जेपी के आंदोलन को उपज है। इस बिहार में आजादी की लड़ाई में 1857 से लेकर के 1957 तक सैकड़ों कुर्बानियां दी है। कुर्बानियों की कीमत पर यह आजादी हमें मिली है, किसी के रामो करम पर नहीं। जब हमारी कुर्बानियां हो रही थी, अफाक बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस और गांधी की जब शहादत हो रही थी, तब ये लोग अंग्रेजों के तलवा चाट रहे थे भाजपाई। इसलिए भाजपाई से हम वतन परस्ती का सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं लेना चाहते, बिल्कुल नहीं लेना चाहते। सीने पे गोली खाना पसंद है, इसलिए ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो हमें संविधान तोहफा के रूप में दिया, जिसकी वजह से आज हम हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई को विधानसभा और संसद में अपनी शोभा बढ़ाने का जो अधिकार मिला है, इस बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का संकल्प लेते हैं हम लोग। बिल्कुल इस संविधान पर आज नहीं आने देंगे। नागरिकता तो हमारी है ही, अरे तू नागरिक नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी, अपनी माँ का पैदाइश का सर्टिफिकेट दिखाओ।